प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की काया पलट करने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन अधिकारी और शिक्षक सरकार के कामों को खोखला साबित कर रहे हैं। ताजा मामला महाराजगंज में देखने को मिला, जहां स्कूल में बच्चों के पास बैठने के लिए न तो कुर्सी है और न मिड डे मील योजना के तहत उन बच्चों के पास अच्छा भोजन है। मामला सिसवा ब्लॉक के ग्राम सभा चरभारिया के सरकारी विद्यालय का है। बता दें कि विधानसभा सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सड़क पर घूमते देखा, जिसके बाद विधायक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था देखने विद्यालय पहुंच गए, जहां विद्यालय की हकीकत देख विधायक हैरान रह गए, जिसके बाद विधायक ने जमकर शिक्षकों को फटकार लगाई। में कोई टाट नहीं, किसी के मोजा जूता नहीं, बच्चे हमारे गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हालात बनाए आप लोगों ने शिक्षा विभाग में, सुधार कर लीजिए और सुधर जाइए। ये मैं कह रहा हूं, सुधार कर लीजिए और सुधर जाइए आप लोग। ये यहाँ भारी भरकम 10 मास्टर क्यों रखे हैं? इसलिए जंगल में है, लोग घर रहेंगे, कोई चेक करने नहीं आएगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ है बताइए। 18 मुझे शर्म आ रही है, 18 बच्चे हैं 6, 7, 8 में, तो हटाइए इनको, इनको हटाइए, इनको भगाइए यहां से। जहां हमारे एकल विद्यालय उनमें भेजिए ना, एक मास्टर को क्यों एक विद्यालय में रखे हैं, क्यों यहां 10 रखे हैं? इसीलिए जंगल में कोई चेक करने नहीं आएगा। यहां मीडिया खड़ी है, मीडिया वीडियो बना रही है हमारी। कितना दर्द की बात है, हमारी सबसे ज्यादा पैसा इसी विभाग में खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा तनख्वाह इसी विभाग में दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा सैलरी अध्यापक को मिलती है। ये हालात है, 6, 3 बच्चे हैं कक्षा 7 में, 3 बच्चे हैं, नाम तीनों बच्चों को लो, 3 बच्चे कक्षा 7 में, 1 से लगाई 50, 1 से लगाई 5 तक 50 बच्चे हैं। हालात दयनीय है यहाँ। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आप क्या कर लोगे? तो ये हालात लिखिए वहाँ, हम उपस्थित लिखेंगे। ये तुरंत कार्रवाई करिए आज, बहुत बड़ा तमाशा है, बहुत बड़ा मरंडर है, बहुत बड़ा मरंडर है इस विद्यालय में, चरभरिया में। इतनी भारी भरकम अध्यापक रखने क्या मतलब है, हमको बता दीजिए ना, जहाँ बच्चे नहीं, जहाँ बच्चे वहाँ शिफ्ट करिए, ये लोग पढ़ाए तो। ये संजय राय जी उपस्थित हैं, आ एक मैडम उपस्थित है, वो क्या बोलता है, ज्योत्सना, हाँ बस सब गायब है। कल आप फर्जी दे देंगे, जांच किया, ये प्रेजेंट पाया, ये छुट्टी पाया, ये रिपोर्ट ना लिखना, कोई नहीं है। हाँ सैलरी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, सब कुछ करिए, जहां ये जाना हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इस काम को करिए, तुरंत हटाइए आज इन लोगों को, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ये तो हालात है यार हमारे विधानसभा की, जनता ने हमको इसीलिए चुना है कि व्यवस्था हम देखें, सिस्टम देखें। शिक्षकों को फटकार लगाने के बाद बीजेपी विधायक ने लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही है। नहीं, आज मैं चरभरिया प्राथमिक स्वास्थ्य, जो प्राथमिक विद्यालय है प्राइमरी, और उसी पर जूनियर हाई स्कूल का, उसका निरीक्षण किया, और वहाँ जो है 2 अध्यापक हमको मिले हैं, एक प्राइमरी में और एक जूनियर हाई स्कूल में। बाकी बताने के लिए 8 अध्यापक शिक्षा मित्रों के साथ तैनात हैं, और बच्चों की संख्या 1 से 5 तक 50 मिली है, 139 के सापेक्ष 139 बच्चे वहाँ इनरोल्ड हैं, लेकिन मौके पर 50 मिले हैं। और जूनियर हाई स्कूल में 6, 7, 8 में 18 बच्चे मिले हैं, 122 बच्चे इनरोल्ड हैं। मैंने जिलाधिकारी, मैंने BSA और ABSA को कठोर कार्रवाई करने की संस्कृति किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां शिक्षक स्कूल नहीं आते और बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलता। फिलहाल बीजेपी विधायक ने शिक्षकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महराजगंज से गुलाम गौस रायन की रिपोर्ट।